हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लिटू ऑफिशियल और मैं लिटू, और आज हम करने वाले हैं मेरा आरएस का एलईडी मॉडिफिकेशन। तो आओ देखते हैं। किसी भी बाइक में लगाओ, ठीक है, कोई भी बाइक हो, स्प्लेंडर हो या आरएस हो या 220 हो, कोई भी बाइक में लगा सकते हो। अगर आप मेरा वीडियो देख लो तो दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी बाइक में लगा सकते हो। तो ऊपर का जो पिन है वो पॉजिटिव है और साइड का जो पिन है वो नेगेटिव है। पिन को अच्छे से ब्लैक टेप से सेट कर दिया ताकि लूज ना हो पाए। मैंने पॉजिटिव वायर को पार्किंग लाइट में लगाया है, आप किसी भी पार्किंग या ब्रेक लाइट में लगा सकते हो। और नेगेटिव वायर को मैंने बॉडी आर्ट में लगाया है, आप किसी भी बाइक का किसी भी मेटल बॉडी पे पार्ट्स पे टच करके देख सकते हो कहाँ पर बॉडी आर्ट आता है। आप लोग देख सकते हो लाइट जल गया है, मतलब कनेक्शन हो गया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग जब भी कनेक्शन कीजिएगा डायरेक्ट बैटरी से कनेक्शन मत कीजिएगा, क्योंकि इससे बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाता है और बैटरी का लाइफ भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो पार्ट्स पे कनेक्शन कीजिएगा कि जो इंजन स्टार्ट होने के बाद ही करंट फ्लो करता है। ये आयर सेंसर है, इसको विजिबिलिटी रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये एलईडी पूरा पूरी रिमोट कंट्रोल से चलता है। हर तरीके का पैटर्न है, बहुत तरीके का, तो मैंने इसको सीट के नीचे रखना प्रेफर किया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस एलईडी के साथ तो रिमोट कंट्रोल देता ही है, लेकिन हर वक्त पॉसिबल नहीं होता है कि रिमोट साथ में रखा जाए। तो इसका एक ऐप भी आता है, इसका नहीं, प्ले स्टोर से ऐप भी आता है, तो उसमें भी ऑपरेट कर सकते हो। उस ऐप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस एलईडी का परचेस लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। आपको अगर पसंद हो तो आप ले सकते हैं। ऐसे ही बाइक रिलेटेड और स्पेशल या आरएस 200 के रिलेटेड कोई वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को ज़रूर से दबा दीजिए, ताकि इन फ्यूचर जितनी भी वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और ज़रूर कमेंट में बताना कि मेरा ये जो एलईडी मॉडिफिकेशन है ये कैसा लग रहा है, और आप लोगों का पसंद हुआ कि नहीं, और कौन कौन ऐसा करना चाहता है तो ज़रूर ये कमेंट में बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को भी कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, आप लोग भी बताइए आप लोगों का कैसा लगा है। ज़रूर कमेंट करना, कमेंट में बताना, फीडबैक ज़रूर देना। और आने वाले वक्त में ऐसे ही बहुत सारा मॉडिफिकेशन के ऊपर वीडियो आएगा आरएस और अन्य बाइक के ऊपर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये एलईडी पूरा सेट मुझे पड़ा 288 और इसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप लोग जब परचेस करना चाहेंगे तो आप एक बार प्राइस को देख लीजिएगा, और ऐसा नहीं कि इस कंपनी का अच्छा है या कंपनी का अच्छा, सभी कंपनी का एक ही है, ये चाइना प्रोडक्ट है। सब अपने अपने कंपनी के ब्रांड के नाम के हिसाब से बेचता है, तो ऐसा नहीं कि वो ब्रांड का वही मैन्युफैक्चर का, तो नहीं, ये एग्जैक्टली चाइना से ही आता है। तो आप किसी भी प्रोडक्ट को ले सकते हैं, लेकिन हाँ एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छा है कि नहीं, क्वालिटी ठीक होना चाहिए। तो मेरा वाला तो बहुत अच्छा क्वालिटी है, और आगे जब फिनिश हो जाएगा वीडियो एकदम तो तब देख लेना कि कैसे लग रहा है, बताना ज़रूर।
दिखाओ, हम गाड़ी स्टार्ट करें। तो अभी अभी जो दिख रहा है अभी ऐसा दिखेगा। यस, अभी ये सुबह में है इसलिए थोड़ा सा ये है। चलो चलो अभी ये ऐसा दिखेगा। अभी जब शाम होगा तो इसको और भी अच्छे से आप देख पाओगे। भाई क्या चाहिए? बात करना था। क्या बात करना था? हेलो, अरे रुको, पहले मुझे बताओ क्या चाहिए, बोलो। अच्छा ठीक है बात करो। हेलो, अच्छा बोलो बोलो बोलो, तुम बोलो। एक को लाइक, एक को सब्सक्राइब, एक को शेयर, और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना अच्छा कर दो। अच्छा अच्छा हो गया बातचीत। यही भीख मांगना है तो क्यों? देखो ये कैसा लगा तुमको, बोलो पहले। तुमको अच्छा लगा ना? अगर तुम लोगों को भी अच्छा लगा तो हम लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम भी अगर इसको बाय कर सकते हो। और ये स्पेशली ये कार का है और ये हमने बाइक में लगाया है। और ये इसका पूरा प्रोसेसिंग है वो मैंने वीडियो में तो दे दिया, आप लोग देख लिया होगा। अगर देख लिया हो तो कोई बात नहीं, किसी भी बाइक में लगाओ, ठीक है? कोई भी बाइक हो, स्प्लेंडर हो या RS हो या 220 हो, कोई भी बाइक में लगा सकते हो। अगर आप मेरा वीडियो देख लो तो दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी बाइक में लगा सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट करना भिखारी को, क्योंकि ये